बाघ एक तेज तर्रार, खूबसूरत और ताकतवर मांसाहारी जंगली जानवर है। यह अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। यह भारत सहित एशिया के अधिकांश इलाकों में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। दोस्तों, बाघ के बारे में बहुत से ऐसे रोचक तथ्य अभी भी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से बाघ के रोचक तथ्य इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में बाघ तीसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर ध्रुवी भालू पोलर बियर और दूसरा भूरा भालू ब्राउन बियर है। बाघ अपने शिकार का गला तोड़कर या गला घोटकर मारता है। बाघ शिकार के बाद अपने शावकों की प्रतीक्षा करता है। उनको खा लेने के बाद ही मादा बाघ उस शिकार को खाती है। बाघ का गर्भधारण काल 3.5 माह का होता है। मादा बाघ एक बार में 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। सफ़ेद बाघ व्हाइट टाइगर के जन्म लेने की संभावना 10,000 में से सिर्फ एक होती है। नर शेर और मादा बाघ के मेटिंग से जन्म होने वाले बच्चों को लीगर्स कहा जाता है, और नर बाघ और मादा शेर के मेटिंग से जन्मे बच्चों को टीबोन्स कहा जाता है। बाघ पेड़ को खरोच कर और अपने मुंह से अपने उस क्षेत्र की निशानदेही करता है। 1930 में चंपावती नामक मादा बंगाल टाइगर ने 400 से ज़्यादा इंसानों को मार डाला था। वह इतिहास की सबसे अधिक इंसानों को मारने वाली आदमखोर बाघ थी। बाघ के पैर गद्देदार होते हैं, इसे घात लगाकर शिकार तक पहुंचने में आसानी होती है। बाघ के पंजे 4.7 इंच 12 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। बाघ के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़ सकता है। इंसान 20 से 30 दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाघ बिना खाए 2 से 3 हफ्तों तक जिंदा ही रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक भूखा रहने पर इसकी मौत हो जाती है। बाघ पानी में नहाना भी पसंद करते हैं, यही नहीं ये कुशल तैराक भी होते हैं। बाघ द्वारा पानी में अब तक एक दिन में सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड 30 किलोमीटर का है। बाघ खुरदुरी जीव के कारण नदी या तालाब से पानी सोख कर नहीं पी पाता, या जीव को कप जैसा आकार देकर उसमें पानी भरकर पीता है। बाघ के पंजे को निशान को पग मार्क कहते हैं। जन्म के 7 दिन तक बाघ पूर्णतः अंधे होते हैं। आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। जन्म देने के बाद 2 साल तक शावकों की देखभाल मादा बाघ ही करती है। टाइगर के समूह को अम्बोस स्टार्क कहा जाता है। बाघ धरती से 4,960 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित सुंदरवन दलदली क्षेत्र का सबसे ज़्यादा टाइगर अटैक के लिए जाना जाता है। यह लगभग 600 बंगाल टाइगर रहते हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 100 इंसानों को मार डालते हैं। बाघ अन्य जानवरों की आवाज़ों की नकल भी कर सकते हैं। शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए यह तरीका इनके लिए बहुत कारगर होता है। बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघ की 9 प्रजाति शरीर पर जो धारियां पाई जाती है वो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग होती हैं। बाघ ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बाघ भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय जानवर है। पृथ्वी पर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर बाघ ही है। पूरे विश्व में बाघ शक्ति और जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। एक वयस्क बाघ 8 मीटर तक अपनी लंबी छलांग लगा सकता है। बाघ के ऊपर के दांत 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, जो इंसानों की उंगली जितने बड़े होते हैं। बाघ के शरीर पर
100 से भी ज्यादा धारियां होती हैं। शरीर पर पाई जाने वाली धारियां उसके फर के साथ उसकी चमड़ी पर भी होती हैं। बाघ के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। साइबेरियन टाइगर के शरीर में बंगाल टाइगर की तुलना में कम धारियां होती हैं और ये धारियां काले रंग की ना होकर भूरे रंग की होती हैं। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। अपने धारीदार शरीर के कारण वह झाड़ियों में छिपा रहता है और शिकार के निकट पहुंचकर उस पर कूद पड़ता है। भारी भरकम शरीर के कारण यह जल्दी थक जाता है, इसलिए कभी लंबी दूरी तक शिकार का पीछा नहीं करता। बाघ दिन में 16 घंटे सोने में बिताता है। याददाश्त के मामले बाघ इंसानों से तेज होते हैं। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना तेज होती है। बिल्ली के डीएनए का 95.6% भाग बाघ के डीएनए से मेल खाता है।